जैसव जबरदस्त तेजी में। अच्छा तुम में आख कत क्या बासन वाजवान क्या बात कर गैर ठीक न मशवर की चीज़ जवान जबरदस्त न यहाँ पे आज मैं मिला रहा हूँ आपको एक अजीम जो हमारे शेफ है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में वाजा कहते हैं। तो जावेद से मैं मिला रहा हूँ आपको। ये जावेद है हमारे बड़े हम कह सकते हैं कि स्किल्ड है इस काम में जो वाजवान बनाने में बड़े माहिर है। तो मैं चाहूंगा कि जो हमें देखने वाले हैं वो भी हमें ज्वाइन करे कभी और जावेद का वाजवान जो भी होता है कि उसका लुत्फ उठाए। वो आज हम जावेद से ही ये पूरा टाइम लेंगे, उसमें एक पूरी स्टोरी हम यहाँ तैयार करेंगे जो शुरुआत हो रही है यहाँ बिगनिंग टू एंड। ये पूरा वाजवान मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह जावेद की सदारत में सरबराई में इसका टीम बनाता है और कोशिश करेंगे कि आपको भी इसकी अगर आप मजे नहीं ले पाओगे लेकिन खुशबू आप जरूर लेंगे, ये मैं यहाँ पे चाहूंगा। शुक्रिया। आगे हम चलेंगे और आगे और चीजें आपको दिखाएंगे वाजवान के जो भी हमारा कश्मीर का वाजवान जो कल्चर है हमारा जो ट्रेडिशन है हमारा उस बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। और जावेद साहब बड़ा माहिर है और यहाँ का फेमस शेफ है हमारे कश्मीर के। तो जावेद साहब से आप जरूर मिलना, मैं आपको मिलाते रहूंगा। इसका जो वाजवान बनाने का तरीका है और तजुर्बा है इस पे हम ये स्टोरी पूरी स्टोरी बनाएंगे, आज शॉर्ट स्टोरी बनाएंगे लेकिन बनाएंगे जरूर। वाजवान जो बनन जबरदस्त वाजवान तैयारी मिल ना तुगे चाय बनाने वाल न अमस पे कार सालम न रमन काका ठ क्या कर फेस थ्री में हम दिखाएंगे आपको कि वाजवान कहाँ पे पहुंचा हमारा, जिसको हम सुबह से यहाँ पे कवर कर रहे थे कि वाजवान कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है यहाँ। तो जावेद की सरबराई में वाजवान बनने जा रहा है और कल यहाँ पे जो है सब लोग वाजवान का मजा लेंगे। लेकिन देखते हैं कि जावेद जो हमारे यहाँ पे बास है मेन शेफ है हेड शेफ है जिसको हम कश्मीर में वाजा कहते हैं, तो वो है यहाँ। उसका टीम भी है जबरदस्त जोश में है अभी। ठीक है वो बस वाले मकला ना मुझे मास चीटियत अच्छा दिन बाल कज बज तक कर शाम मकलाय कर रात से Thank you.